ये रहा कुछ सामने से नजारा। यहाँ पे भाई लोग चल रही है बोटिंग, एक गोंडोला राइड है। ये भाई लोग स्नो मस्त, देखिए भाई लोग भूत का यहाँ पे पेड़ बहुत सारे लगे पड़े हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द हाथी राइडर ब्लॉग्स में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आई होप कि आप सब बढ़िया स्वास्थ्य मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, हो चुकी है एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। खाना आना क्या बन गया? दाल चावल बनाए और रात को सुबह चाय बना के आप खुद पी लिया। तेने मुझे तो दी ना बहुत तेज हो रही। तो गाइस, अभी भी मुझे बाल कटवाने हैं। मैं थोड़ी देर पहले वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा दिया ताकि जब तक हम नहाए धोए फ्रेश होए तब तक वीडियो अपलोड हो जाए। तो आज जो है आज बहुत तगड़ा सीन होने वाला है, इसकी बिल्कुल मत करना। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फाइनली भाई लोग हम निकल चुके हैं द ग्रैंड वेन्यू मॉल ग्रेटर नोएडा। तो फिलहाल मैं अभी रास्ते में है, बाल कटवाने में भाई लोग 3 घंटे लग गए और ऊपर से जो जिस टाइप का हमें बाल कट करवाना था उस टाइप का उसने बताया कि भाई आपको बाल और बढ़ेगा। फाइनली भाई लोग हम पहुंच गए द ग्रैंड वेनिस मॉल और ये रहा कुछ सामने से नजारा। देखिए ये रहा गेट ऊपर वाला और ऊपर में गाड़ियां वगैरह की सिस्टम है। थोड़ा सा अंदर घुसते ही आपको ऐसा कुछ वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छा लग रहा है, लाजवाब। क्या देख रही हो? तो ये भाई लोग पानी मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से फिर ऊपर आ रहा है। ये देखिए वहाँ पे इन पाइपों से पानी ऊपर आ रहा है। ये देखिए आगे गाड़ी जिसमें आपको घुमाया जाएगा। ये है ग्राउंड फ्लोर, और भी 2-3 फ्लोर हैं। और ये रहा अंदर का कुछ सीन। वहाँ से भाई लोग एंट्री होती है, वहाँ पे उनका चेकअप वगैरह होता है कि कोई वैसी सामान ना लाए इसमें जो निषेध हो, जो प्रतिबंध हो जो सामान का। ऊपर का झूमर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा शुरू हो चुका है और ये रही रेलगाड़ी जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पे लगी है भाई लोग स्क्रीन और इससे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को है। तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, अंदर में कुछ ऐसा भी है वाटरफॉल, इसे भी देखेंगे। ये रहा बाहर का नजारा, है ना वाकई लाजवाब। तो ये है भाई लोग मतलब दूसरा ग्राउंड, उधर में लग रहा है बिग बाजार। इसमें आपको वेनिस द ग्रैंड वेनिस मॉल में आपको हर तरह की ब्रांड देखने को मिल जाएगी। जो भी ब्रांड आप पहनते होंगे यूज करते होंगे सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। सबके यहाँ पे एक शॉप लगी हुई है, देखिये लेंसकार्ट की, मिमी की, स्केचर की। हाँ भाई मिल गया तेरा। ये देखिए भाई लोग यहाँ पे है पियानो, ये रहा रिसेप्शन, ये रहा पिज्जा टावर और ये रहा यहाँ का कुछ ऐसा सीन। अभी हम ऊपर घूम रहे हैं। ये रहा बाटा का शोरूम एंड ये रहा पोमा, उधर मैक्स, बिग बाजार। यहाँ पे भाई लोग चल रही है बोटिंग, एक गोंडोला राइड है एंड देखिए कितना प्यारा, ओहो कितने मौज से जा रहे हैं, हिलते डोल। ये देखिए इधर को निकलेगी, ये बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, इसकी भी राइड अब वहाँ पे लग जाएगी और वहाँ से इन्हें उतार दिया जाएगा नेक्स्ट। इसकी पंखी भी चल रही है अंदर को एंड भैया के पैर के नीचे है, अब वहाँ से ब्रेक लगेगा, ब्रेक लग गया तो कुछ इस हिसाब का है। देख लो फ्रेंड वो शॉपिंग करने के लिए घूम रहे हैं अभी। ये है भाई लोग तीसरा ग्राउंड और काफी प्यारा लग रहा है। हर तरफ कहीं ना कोई शॉप खुली पड़ी है, ये तो चलो खाली होगी। इधर में है ये अपना फोन का एंड ये है अपना सेकंड फ्लोर पे ही हम लोग ग्राउंड मार रहे हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है घूम के? वो बोटिंग ना, चलो पता करते हैं कि क्या उसकी प्राइस है और क्या ले रहे हैं। हाँ वही तो मैं म्यूजिक वाला वो क्या कहते हैं मैजिक वाला सिस्टम है वो गाइस, जो आंखों में लगा के ऐसा नहीं करा जाता है, जो आपने सिनेमेटिक एंजॉय करा वही है, वही है। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट, कितना ही प्यारा लग रहा है ना, लाजवाब चीज। इसीलिए हमने बहुत आपके लिए सिगरेट रखा था ताकि हम आपको दिखा सकें बहुत ही प्यारा मोमेंट। ये हम आ गए सेकंड फ्लोर पे एंड इससे बाद भी एक फ्लोर है थर्ड फ्लोर एंड देखिए क्या ही चीज है। अभी भाई लोग हम आ गए टावर में और टावर में कुछ इस तरह का ही एकदम हाइट का ही लेवल का है और आवाज भी इसमें डिटिंग हो रही है। ये देखिए भाई क्या कहाँ रहे जल्दी से, तो खो जाती है, चल रहे चल चल चल। फाइनली भाई लोग हमने सारा घूम लिया और लास्ट स्टेप रह रहा है और लास्ट में हम जा रहे हैं, है ना, चलो एक्साइटेड। ये देखिए भाई लोग स्नो मस्ती -12 सेल्सियस जिसमें 800-900 के करीब पैसे लगते हैं और आपको ये फील स्नो स्लाइडर्स, स्नो क्लाइबिंग, स्नो डीजे सारी कुछ सारी व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे सिर्फ 900 रुपए में। मतलब अभी देख रहे हैं क्या सीन रहता है, कहीं कुछ मतलब अट्रैक्टिव देखने को ना मिला। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ऊपर में चल रही है LCD और यहाँ पे लिखा है द हाउस ऑफ डेड, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब
चलो टिकट पूछते हैं। तो ये है भाई लोग इसका प्राइस, द हाउस ऑफ डेड 200 रुपये, 7D राइड करोगे उसके 200, अगर कॉम्बो में लेते हो तो आपको 300 रुपये पड़ेंगे। ये भाई लोग झूला जिसपे छोटे बड़े सभी लोग झूल सकते हैं, एंड यहाँ पे वीडियो गेम का सिस्टम, और वहाँ पे जैसे आप देख ही पा रहे हो चल ही रहा है। जिस भाई को ये नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, देखिए बस ये धुड़ुम धुड़ुम वाला सिस्टम है। ये रहा भाई लोग प्रॉपर वीडियो गेम का सिस्टम, जिसपे कोई ना कोई चार्जेबल लगता होगा, लेकिन है काफ़ी जमदार, देख रहे हैं। नाइस, वाह क्या बात है भाई। तो यहाँ पे हर तरह की आपको एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी। अभी पाँच ही यहाँ से रोल डालेंगे और देखते हैं इनका लकी चांस। ये रहा, ओ नो, एक भी नहीं गिरा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हो पाजी। ओ बल्ले, गुड पाजी। ना इस बार सारा एक तरह का और क्रिकेट सिमिलैरिटी, जिसमें कि वहाँ भैया बैट लेके खड़े हैं और उसमें से ऑटोमेटिक बॉल आएगी, और देखिए उसमें एक पर्दे पे चल रहा है, ये आया धोनी और ये मुझे ही हिट कर दिया इन्होंने। तो आ रहा है घूम के मजा। ओ बल्ले, यहाँ पे भाई लोग कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो भी कर सकते हो। वहाँ पे एक शुरू टाइम में ही बनता है एक पास, और पास लेने के बाद अब कर सकते हो। भाई लोग इसका हाई स्कोर है 875, और ये भैया ने मारा 713। ये भाई लोग स्नो मस्ती, जो आपको यहाँ पे -12 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, और ये पेड़ पे लगा पंखा जो कि लो मस्ती लो नज़ारे, और परी भी सूट कर रही है पता नहीं कहाँ की, एंड हम तो अपना कर ही रहे हैं कंटेंट यार। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और कुछ भूल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना गाइस। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ क्या है, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करते रहना, जहाँ भूल जाऊँ वहाँ का वो बता देना, नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहे। क्या सुनाई आ रही भाई, ये गोस्ट रूम है भूत वाला। देखिए भाई लोग, भूत का यहाँ पे पेड़ बहुत सारे लगे पड़े हैं, और तुम्हारा भाई एकदम बिल्कुल डर रहा है। जो भैया कहते हैं कि भैया भूत की बनाओ, आज हमने आपको दिखा दिया, देख लो ये, देख रहे हो है बहुत ही। भाई लोग हमारा टूर एकदम बहुत ही बढ़िया रहा, अभी बने रहना, जाना मत, हम आपको बताएंगे कि द ग्रैंड वेनिस मॉल पड़ तक आए हैं, तो हम आपको बताएंगे, इसकी बिल्कुल मत करना, अभी आधी इन्फॉर्मेशन आपको देना बाकी है। फिलहाल मैम ने सारी मस्ती कर ली। तो ये भाई लोग VFX के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जो आपको मतलब नेक्स्ट एक्सपीरियंस तक ले जाएगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो उस तरह का होगा आपके साथ। ये देखिए भाई लोग वाटरफॉल, पास से देखिए, इसकी जो है पानी इसमें होगा 4.5-5 फुट है, इतना ही होगा ना, मैं तो डूब ही जाऊंगी। अभी जो है इसका चार्ज है 400 रुपये, अभी मैं पता करके आया, बजट के बाहर हर एक चीज़ होती जा रही है ना महंगाई के हिसाब से। तो अभी जो है नाव गई है राइड मारने उधर। ये देखिए भाई लोग आगे, और कितना इसका पिंक ही सा कलर है। तो भैया पैर से जो है इनके कंट्रोलर जो है इनके पैर के पास, और नीचे से वो देखिए पंखी चल रही है, देखिए। आगे मजे, तो भाई लोग बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की फीलिंग यहाँ पे हमें महसूस करने को मिली, देखने को का नेक्स्ट लेवल का मिला, ऐसी भी चीज़ें जो हमने देखी जो हमने पहले कभी नहीं देखी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं देखी और आज देखेंगे। आज वो चीज़ हमने मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने तो बहुत सारी देखी थी, लेकिन ऐसे रूबरू ना देखी थी। चले फाइनली भाई लोग, हमने द ग्रैंड वेनिस मॉल को बाय बाय करके बाहर को आ गए हैं।
अंदर तो हमारे बजट में नहीं था, इसलिए हम अंडा रोल लगवा रहे हैं अभी। सो फाइनली भाई लोग अपना आ गया है अंडा रोल, एंड हमने 1.5 करवा लिया, एक ही में 2 करवा लिया, और 4 घंटे में बैठ के ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया तो चीज कोई है ही ना, क्योंकि पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना कि क्या ही बताऊं। तो फटाफट खाते हैं इसे, और यहाँ से भी जाने में हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा गाइस हमें लग जाएगा घर पहुँचते। और बस आ नहीं रही है, बस छोटी मोटी गाड़ी आ रही है, छोटे ऑटो में ना बहुत सारे पैसे ले लेंगे उनसे, इसलिए हम बस पकड़ेंगे ना, तो बस में ऐसे ही कम पैसे में हम चले जाएंगे। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं बस का, टाइम तो है हमारे पास, इंतज़ार जब तक है टाइम तब तक इंतज़ार कर लेते हैं, अगर लगेगा है परी लगेगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अपना ऑटो से चले जाएंगे। क्या बन रहा है? तो भाई लोग हम आ गए थे घर एकदम बढ़िया तरीके से, थोड़ी सी हमें बाजार से सब्जियां लेनी थी तो हमने सब्जी हेड पैड करके ले लिया, क्योंकि हम आज जो है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जैसे आपने देखा ये पूरा दिन भागम भाग। आज सुबह के हमारे कुछ घंटे जो है सही निकले, आराम से निकले, एक जगह बैठ के 2-3 घंटे जहाँ पे हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारा बहुत सारा काम था, देखो डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाने थे वो भी नहीं निकल पाया, स्टिकर भी छपवाने थे, स्टिकर तो चलो प्रॉब्लम की वजह से स्टिकर नहीं छपवा पाए। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे हम करते हैं, एंड खाते पीते मत, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जरूर बताना भाई लोग अपना ओपिनियन जो है हमारे साथ, आप जब तक शेयर नहीं करोगे कैसे पता चलेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। प्लीज कुछ चीज़ को आप हम तो नज़रअंदाज करना, देखिए हम तो अपने आप से 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छा बनाते हैं, बनाने की कोशिश भी करते हैं, पर बाय द वे हमारा कहीं ओपिनियन जो है हमारा निवारण करिए उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों।